सुनिए लतीफ, वंस अगेन विद द चैनल फन फ्रीक्स। आपको हमने हमेशा फन की बात बताई है, आपको आपके साथ हमने फन शेयर किया है, एंटरटेनमेंट शेयर की है, आपके साथ नॉलेज सेगमेंट भी हमने स्टार्ट किया है। उसी नॉलेज सेगमेंट में आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे, जिसका मैसेज ये है कि अल्लाह ताला जो है उन्होंने हमें बहुत नवाजा है। ठीक है, हम एक मुकम्मल इंसान है, अपनी मर्जी से सांस लेते हैं, अपनी मर्जी से हर वो चीज़ करते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार अगर हम पे कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है, बुरा वक्त आ जाता है, जिसमें हमसे कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ ले ली जाती है, तो हम बजाय इसके कि शिकायत करना शुरू कर दें, शिक्वे शिकायत ज़िंदगी से मायूसी इख्तियार कर लें, हमें इसमें सब्र का साथ देना चाहिए। ठीक है, सब्र से अल्लाह मियां से मगफ़रत मांगनी चाहिए, क्योंकि वो रब है, वो रब ताला बहुत 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 मगफ़रत करने वाला है, वो सब पर रहम करने वाला है। तो कभी भी बुरे वक्त में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। ठीक है, और बेशक अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, करीम है, वो सबकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सबके साथ है, हर चीज़ उसे पता है, हर एक की मदद करते हैं। तो आज इसी मैसेज को आगे लेके हम चलते हैं और आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप प्रेजेंट करते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा एक बादशाह और एक लैंडलॉर्ड, एक अमीर आदमी के बारे में। एक बादशाह था, तो वो उसने अपने जो उसके वज़रा थे, उसने एक दिन उनसे कहा कि आज मैं अपनी रियाया की सैर करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी रियाया किस तरह से रह रही है और कितना लोग खुशहाल हैं या किस तरह से लोगों की ज़िंदगी का गुजर बसर है। तो ये सोच के साथ उसने अपने गुजरा किए, जो भी उसकी जमात थी, उन्होंने सारे उन्होंने एक सफ़र शुरू किया एक ख़ास मंजिल। वो चले जा रहे थे, हज़ारों मील का सफ़र उस वक्त तो नामुमकिन था, उस वक्त सैकड़ों मील का सफ़र भी महीनों और सालों के ऊपर मुहीत था। तो इस तरह से वो कुछ महीनों का सफ़र तय करने के बाद एक खास मकाम पर पहुंचते हैं। तो अब वहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाती है उनके पहुंचते पहुंचते, तो वो अब उनका ठहरने का वहाँ पर एक मसला था कि अब रात को कैसे रहा जाए, क्योंकि काफ़ी लोग थे उसके साथ। तो उसके एक वज़ीर ने कहा कि आप बादशाह सलामत आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकें, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं कहाँ पर हम रात गुजारें और ताकि सुबह होते ही हम यहाँ से आगे की तरफ जा सकें। तो वो उस वज़ीर ने अब वहाँ पे तलाश करना शुरू किया, देखा कि एक उसको घर में लाइट नज़र आ रही है, घर भी अच्छा था, लगा कि कुछ फैमिली होगी। उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खटखटाया तो आगे से एक इंसान आया, तो उसने पूछा कि आप मतलब क्या आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि हम मैं इस तरह से एक बादशाह जो हमारी सल्तनत के बादशाह सलामत हैं, कुछ लोग हैं उनके साथ, तो हम यहाँ पर सैर की गरज से आए थे, रात चूंकि ज़्यादा हो जाने की वजह से हम आगे अब जा नहीं सकते, तो अगर हमें यहाँ रात ठहरने के लिए कुछ जगह मिल जाती तो हम रात गुजार कर सुबह ही सुबह हम यहाँ से निकल जाएं। तो उसने जब पूछा कि ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसने एक शख्स की तरफ इशारा किया कि फ़लाँ जगह पर यहाँ से कुछ ही फासले पर एक शख्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है, बहुत ही ज़्यादा माल दौलत रखने वाला इंसान है और उसका घर महल की तरह है, तो वही एक वाहिद शख्स है जो आप सब लोगों की मेहमान नवाजी भी कर सकता है और आप लोगों को रात ठहरने की जगह भी दे सकता है। तो उसने उसका पता मालूम किया और वापस बादशाह के पास आया और सब लोग वहाँ से उठे और उस शख्स की तरफ जाने लगे, जाके उससे इजाज़त तलब की और उसने उनको बड़ी खुशी खुशी उनको वहाँ पर रहने के लिए मतलब इजाज़त दे दी और मेहमान नवाजी भी की। सारी रात मेहमान नवाजी करने के बाद वो जब सोए और सुबह जब उठी तो उन्होंने एक बहुत तकल्लुफ़ किस्म का इंतज़ाम कर रखा था नाश्ते का उन सब लोगों के लिए। उन्होंने जब वो तकल्लुफ़ नाश्ते से वो फारिग हुए तो वो जो अमीर आदमी था उसने उनसे कहा कि बादशाह सलामत, क्योंकि आप आज पहली दफ़ा मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ तोहफे से नवाजूँ और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आए। बादशाह ने इनकार ना किया, उसका खुलूस देखा और उसे कहा कि ज़रूर मैं तुम्हारा तोहफा ज़रूर कबूल करूँ। तो वो अपने घोड़ों के इस्तबल में उसको बादशाह को और उनके तमाम जो लोग थे उनको वो ले गया और वहाँ पर उसके पास 100 नस्ल के 100 घोड़े थे, यानी कि हर एक नस्ल के 100-100 घोड़े थे। तो उसने वो 100 के 100 मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े उनको गिफ्ट में दे दिए। तो बादशाह ये देखकर उसका इस इतना पुरतकल्लफ मेहमान नवाजी और इतना सखी दिल देखकर वो बहुत मुतासिर हुआ और बेइख्तियार बादशाह ने उसे कहा कि तुम्हारा कारोबार जो मैंने देखा वो हसी है और तुम बहुत मसरूफ़ आदमी हो, अगर ज़िंदगी में कभी तुम मेरी सल्तनत मेरे शहर में जहाँ पर मैं रहता हूँ अगर तुम कभी आए तो मुझसे ज़रूर मिलना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी तुम्हारी इसी तरह से मेहमान नवाजी। खैर उसने कहा कि ज़रूर मुझे अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके पास तशरीफ़ लाऊंगा। ये कहकर बादशाह वहाँ से रुख्सत होता है
और वो अपने बादशाह अपने महल की तरफ वापस आ जाता है। बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, शायद सालों गुजर जाते हैं इस वाक़े के बाद। जो वो अमीर आदमी था उसके उसका कारोबार था, उसके बहरी जहाज़ आते थे मुख्तलिफ मुल्कों से, उस पर सामान होता था, कीमती सामान होता था, तिजारत का सामान था जो वो बेचा करता था ताजरों में। वहाँ पर तूफान आया, उसका सारा सामान, उसके बहरी जहाज़ उस तूफान की नज़र हो गए। जो लेने वाले थे, जिनका वो माल था, जिनके वो पैसे थे, उन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया। वो बेचारा बहुत डिप्रेस होके उसने अपना सारा महल और जितने घोड़े और जो भी उसके पास माल और दौलत थी उसने उसको बेच बाच के उनका कर्ज उतारा और वो बिल्कुल ही ज़मीन पर आ गया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान था, तो उसको उसके दिल में एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस बादशाह की तरफ जाऊँ जो सालों पहले मेरी तरफ आया था और मैंने उसकी बड़ी पुरतकल्लफ मेहमान नवाजी की। वो ये सोच कर बादशाह की तरफ चल पड़ा। मीलों का सफ़र था क्योंकि उसके पास अब कोई सवारी भी ना थी। उसने पैदल सफ़र किया, जैसे तैसे भी वो सफ़र करके महीनों में या सालों में वो पहुंचा। बुरे हाल उसके, वो दरबार में पहुंचता है तो दरबारी को कहता है कि इस तरह से ये मेरा नाम है, मैं फलां शहर से आया हूँ, तुम अपने बादशाह को जब मेरा नाम बताओगे तो मुझे पहचान लेंगे। लेकिन वो बार बार उससे बड़ी मिन्नतें समाजतें करता रहा, लेकिन वो दरबारी उसकी बात ना सुने, क्योंकि उसकी हालत ज़ार देख के उसको नहीं लगता था कि बादशाह की इस जैसे इंसान के साथ कभी दोस्ती रह सकती है। लेकिन फिर भी उसको तरस आया, जब वो सारी रात वहाँ बैठा रहा, उस दरबारी को तरस आया और उसने डरते डरते बादशाह से कहा कि इस तरह से एक फटा हारा इंसान है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, बुरा हाल है, लेकिन वो ये कहता है कि वो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है और वो फलां शहर से आया। बादशाह ने बेख्तियार बोला उसको कि उसको फौरी मेरे दरबार में लेकर आओ। जब बादशाह को उसके दरबार में लाया जाता है, उसकी बादशाह हालत देखता है, तो उसके उस वक्त उसको कुछ नहीं सूझता। वो सिर्फ उसको बेख्तियार ये कहता है कि तुम्हारी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम ऐसे करो कि तुम बहुत मीलों का सफ़र तय करके आए, तुम नहाओ, नाश्ता करो, खाना खाओ। वो रात का वक्त था, सॉरी, वो उसको उन्होंने खाना खिलाया और बादशाह ने अपने वज़रा से कहा कि इसकी अच्छी तरह खातर तवाज़ो करो, इसको रहने के लिए जगह दो, अच्छा लिबास दो, और ताकि ये रात भर पुरसकून नींद सोए और सुबह नाश्ते की टेबल के ऊपर उसको दोबारा बुलाया जाए। सुबह होती है, नाश्ते की टेबल पर उसको बुलाया जाता है। वो जब नाश्ते की टेबल पर बैठता है, बादशाह उसकी तरफ देखता है और उसे इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, बादशाह उसे यही पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा कैसे आना हो। वो मुख्तसर या तफसीलन बादशाह को अपनी सारी गर्दान सुनाता है, तो बादशाह सुनने के बाद अपने एक दरबारी से कहता है कि वो फलां बकरी चराने वाला जो हमारा एक दरबारी था उसको बुलाया जाए। वो उसको बुलाते हैं, बादशाह उसको कहता है कि कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला था कि तुम्हें एक बकरियां चराने वाला वर्कर चाहिए, काम करने वाला चाहिए, क्या अभी भी उस वर्कर की ज़रूरत है? तो उस बकरी चराने वाले ने कहा कि बिल्कुल बादशाह की ज़रूरत है। तो बादशाह सलामत ने उसी शख्स की तरफ इशारा किया और कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसको नौकरी पर ला। ये सुनते ही उसके तो जैसे ज़मीन ही निकल गई हो पैरों के पीछे से कि ये बादशाह सलामत ने मेरे साथ क्या सुलूक किया और मैंने इन बादशाह के साथ क्या सुलूक किया। खैर, वो अब भूखा था, मजबूर था, ज़रूरतमंद था, वो बगैर कुछ कहे उस बकरी चराने वाले के साथ चल दिया। अब कुछ अरसा गुजरा, कुछ महीनों गुजरे, तो उस बादशाह ने उस बकरी चराने वाले को दोबारा दरबार में बुलाया और कहा कि जो तुम्हें मैंने काम करने वाला वो शख्स दिया था, कैसा तुम्हारे पास वो काम ठीक कर रहा है या नहीं? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं डरते डरते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास 100 बकरियाँ थी जब मैंने उसको अपने पास काम पर रखा, जब आपने उसको मेरे पास भेजा, लेकिन आज एक महीना गुजर गया है, जब भी वो शाम को बकरियां वापस लेकर आता है तो कोई ना कोई बकरी उसमें कम होती है, या वो कहता है कि उसको भेड़िया खा गया, या वो कहता है कि वो हो गए जब गए। मैं बहुत परेशान हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उसको काम पे रखे। खैर, उस वो फिर वापस चला गया, वो काम करता रहा, सिलसिला चलता रहा, वो आता रहा, लॉस होता रहा, आ जाके उसके पास 15 या 20 बकरियाँ बची। और वो बहुत रोया कि बादशाह सलामत, मैं तो बिल्कुल लुट गया, मर गया, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। बादशाह ने कहा, तुम फिर भी परेशान मत हो, तुम उसके पास उसको अपने पास रखे। खैर, वो चला गया। अब बादशाह सलामत ने कुछ वक्त गुजारा, वक्त गुजारने के बाद दोबारा उस बकरी चराने को बुलाया। जब वो दोबारा वापस आया तो उसने वो बड़ा खुश था। बादशाह ने कहा कि अब बताओ कि वो काम कैसा कर रहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास अब 100 से ज़्यादा बकरियाँ हो चुकी हैं, अचानक मुझे नहीं पता चला, मेरी जो खोई हुई बकरियाँ थी वो भी वापस आना शुरू कर दी और तमाम बकरियों ने एक अच्छा, मेरे पास मेरा कारोबार वसी से वसी होता चला जा रहा है, अब मैं बहुत खुश हूँ। बादशाह ने कहा, ये सुनते ही कहा कि अब उस मेरा जो दोस्त था उसको वापस भेज।
जैसे ही वो आया उसका जाहिर है मूड ख़राब था, वो बहुत ज़्यादा एक उससे नफरत थी उसके दिल में बादशाह के लिए कि मैं इसके साथ कितना अच्छा सलूक किया और इसने मेरे साथ क्या सलूक किया। खैर बादशाह ने उसको दोबारा उसी तरह से उसके साथ ट्रीट किया, उसको खाना खिलाया, उसको अच्छे कपड़े दिए, उसको कहा कि तुम रात अब यहीं रुकोगे, सुबह नाश्ते की टेबल पर हमारी तुमसे दोबारा बात हो। वो जैसे ही सुबह नाश्ते की टेबल पर दोबारा आता है तो वो बहुत ज़्यादा खफा, उसका चेहरे से खफगी और खफा वो था बादशाह से, वो बार बार नज़रों में नज़रें नहीं मिला रहा था बादशाह। तो बादशाह क्योंकि एक खुदा तर्स था, खुदा का बंदा था, उसने उसे कहा कि देखो जिस दिन तुम मेरे पास तशरीफ लाए थे, जिस दिन और तुम्हारी हालत को देख के मुझे यकीन नहीं आया कि एक इंसान जिसको मैंने इतनी इज्जत से इतनी दौलत से नवाजा हो और इस तरह वो एक फर्श पे आ जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रंज ज़्यादा हुआ, खौफ ज़्यादा भी हुआ तुम्हारे हालत में कि अल्लाह ऐसे ही हालत किसी की ना दे। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया था तुम्हारे पास मालो दुखत की रेल मिल थी, तुम्हारे पे अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम, बहुत तुम्हारे ऊपर अल्लाह की एक रहमत थी, तो मैंने जब तुम्हें इस हालत में देखा तो मुझे लगा कि कोई ऐसा अमल तुमसे ज़रूर सरजद हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह तुमसे सख्त नाराज़ है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें बहुत रिस्क दे रखा था, अब अल्लाह ने वो तुमसे सारा रिस्क छीन लिया है। अगर उस वक्त मैं तुम्हें बहुत सारा माल और दौलत उस वक्त नवाज भी देता तो शायद वो तुम्हारे पास उस वक्त भी ना रहता, क्योंकि अल्लाह की नाराज़गी उस वक्त तुम्हारे ऊपर कायम थी। फिर तुम यहाँ आए, मैंने तुम्हें एक बकरी चराने वाले के पास भेजा, तुम्हारे अंदर आजजी आई, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, क्योंकि मुझे वो बकरी वाला बार बार यही कहता था कि वो पांच वक्त नमाज पढ़ता है, वो अल्लाह से दुआएं मांगता है, वो रोता है, वो गिड़गिड़ाता है, तो मुझे लगा कि अल्लाह एक ना एक दिन तुम्हारी माफ़ी ज़रूर कबूल करेगा। और जब उस बकरी वाले को नुकसान होते 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 जब उसका वो फ़ायदा होने लगा तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि आज अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया है, इस वजह से आज मैंने तुम्हें बुलाया है, ये सामने मैंने तुम्हारे माल और दौलत के ये जो अंबार लगा रखे हैं ये तुम्हारे लिए हैं, आज मैं खुशी से तुम्हें ये सारी माल और दौलत देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे नुकसान भी पूरे हो जाएंगे और तुम्हारा सारा गम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो जब उसने ये सारी चीज़ें बादशाह की सुनी तो उसने बे इख्तियार खड़े होकर कहा कि अगर अल्लाह आज मुझसे राज़ी हो गया है तो मैं तुमसे ये कुछ नहीं कहूँगा, तो अगर अल्लाह मुझसे राज़ी है तो मैं अल्लाह ही से मांगूंगा कि जितना मेरा नुकसान हुआ था वो अल्लाह ही पूरा करेगा। ये कहकर वो बिला इख्तियार बादशाह के दरबार से निकल गया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और जब वो अपने घर की तरफ रवाना हो रहा था तो रास्ते में लोग मिले तो चीख पुकार रहे थे उसके तरफ देख के कि ऐ मर्दू तू कहाँ चला गया था, तो तेरा जो सामान, तेरे जो जितना भी तेरा मालो जहर था वो जो समंदर में तूफान की नज़र हुआ था वो बहरी बेड़े सारे साहिल समंदर के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं ताकि तू आए और उनको अपने अपने साथ ले जाए। तो ये सोचकर उस जो वो एक अमीर आदमी था उसको इस चीज़ का सबक मिल गया कि अल्लाह बेशक कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा उसी से ही मांगते रहना चाहिए। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में इससे भी अच्छे अच्छे मैसेज के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।